वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भंपाड एजुकेशन एंड वी आर स्टडीइंग बुक लिविंग प्लेनेट, अ बुक ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज, डीपीएस क्लास 3। सो टुडेज चैप्टर इज कुकिंग फूड। कुकिंग फूड मतलब कुकिंग क्या होता है? कुकिंग खाना बनाना, ठीक है। फूड खाना है, कुकिंग है उसे बनाना, कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो वार्म अप करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। We eat different kinds of food. हम अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं। Some of the food items can be eaten raw. कुछ ऐसा खाना होता है जिन्हें eaten raw, ये raw मतलब क्या होता है? कच्चा, कच्चा भी हम खाते हैं। Tick the food items which can be eaten raw. अब इधर पर बोल रहे हैं कि ऐसे उसमें टिक करना है जिनको हम कच्चा खाते हैं। तो आपने इधर पर देखा होगा कि आलू को कच्चा खाते हैं, नहीं खाते हैं। लेकिन गाजर को हम सैलेड के रूप में लेते हैं। चावल कच्चा खाते हैं, नहीं खाते हैं। बैगन कच्चा खाते, नहीं खाते। कॉलीफ्लावर, गोभी, किसी को पसंद आती कच्ची गोभी भी, लेकिन वैसे पका के ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर गेहूँ कच्चा नहीं, लेकिन आम है, आम कच्चा हम खा सकते हैं। पका हुआ तो बहुत अच्छा था, कच्चा के अचार के खट्टा खट्टा भी हम खाते हैं। और मूली है वो सैलेड के रूप में यूज़ होती है। तो ये हमें पता लग गया। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है इसी से रिलेटेड। आगे का आपका चैप्टर है कुकिंग फूड, मतलब पका हुआ खाना या खाना बनाना। सम फूड आइटम्स नीड टू बी कुक्ड, कुछ फूड आइटम्स हैं उनको नीड की आवश्यकता है उन्हें पकाने की। पोटैटो, मीट एंड राइस नीड टू बी कुक्ड। तो जो आपका आलू है, मीट है, मटन है या चिकन है, उसको और राइस चावल को पकाना क्या जरूरी आवश्यकता है उसकी, नीड मतलब कितनी आवश्यकता है। कुकिंग मीन्स प्रिपेयरिंग फूड, और कुकिंग का मतलब क्या है? खाना पकाने की तैयारी करना। आपने देखा होगा रोज़ घर में हमारे कुकिंग होती है, चाहे नाश्ता हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, उसमें तो प्रिपरेशन ऑफ फूड मीन्स कुकिंग, खाना बनाना। इट मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी, ये क्या करता है खाने को मुलायम और क्या करता है स्वादिष्ट बना देता है। इट किल्स जम्स इन फूड, ये क्या करता है जो जम्स होते हैं, कोई विषाणु है या जीवाणु है, उनको ख़त्म कर देता है। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं खाने के, ऐसे सामान होते हैं जिन्हें कच्चा भी खाया जाता है और पका हुआ भी खाया जाता है, यानी पका कर भी खाया जाता है। कैन यू नेम टू फूड आइटम्स विच कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड, कह रहे कोई आप ऐसे दो चीज़ बता सकते हो जो हम कच्चा भी खा सकते हैं और उसे पका कर भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर गाजर और मूली है, दोनों को क्या करते हैं हम कच्चा भी खा सकते हैं, पका हुआ भी खा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ हैं, ठीक है, जो सैलेड में यूज़ होती है। कुकुम्बर है, ठीक है। मेथड्स ऑफ कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना बनाने के मेथड्स, कौन कौन से तरीके हैं, क्या विधियां हैं। फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग एंड स्टीमिंग। तो खाना किस तरीके से बनता है, उसको उबाल करके, उसको तल करके, उसको बेकिंग, बेकिंग क्या होता है अलग से पका करके, रोस्टिंग उसको भून करके, ग्रिलिंग क्या है आग के ऊपर उसको सेक करके, और स्टीमिंग भाप दे करके। नाउ बॉइलिंग, बॉइलिंग मीन्स कुकिंग फूड इन बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग का मतलब क्या है कि खाने को उबलते हुए पानी में बॉयल करना, जो पानी उबल रहा हो उसमें पकाना। राइस, एग्स एंड पल्सेस आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। तो जैसे देखा होगा आपने, चावल है, अंडे हैं और दाल हैं, उनको उबलते हुए पानी में ही बनाया जाता हो। आपके घर में बनता होगा, अगर नहीं बनता होगा, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर माताजी आपकी या आपकी कोई सिस्टर है वो अगर कुकिंग कर रही है तो आप देख सकते हैं, आपकी ये हॉबी भी हो सकती है। तो आपको खुद पता लग जाएगा कि खाना कैसे बन रहा, राइस कैसे बन रहा है या एग्स कैसे आपको खाने को मिल रहा है या दाल कैसे बन रही है। नाउ फ्राइंग, फ्राइंग मतलब किसी चीज़ को तलना, ठीक है। फ्राइंग मीन्स कुकिंग फूड इन हॉट बटर, घी और ऑयल। तो क्या होता है किसी चीज़ को भूनना, क्या कर रहे हैं कुकिंग फूड, खाना बनाने, किस में, चाहे मक्खन में, घी में या तेल में। वी मेक पूरीज, पकोड़ास एंड समोसास बाय फ्राइंग। तो हम क्या करते हैं, पूरी है, पकोड़ा है और समोसा को तल कर ही बनाते हैं। व्हेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल इज यूज्ड, इट इज़ कॉल्ड सैलो फ्राइंग। अगर बहुत कम मात्रा में तेल का इस्तेमाल हो रहा है तो ये कहते हैं सैलो, सैलो मतलब छिछला, मतलब कम, कम गहरा, उसको सैलो कहते हैं। तो ये जो छिछला या कम गहरा होता है उस ऑयल में अगर हम कोई चीज़ पकाते हैं तो उसको कहते हैं सैलो फ्राइंग। व्हेन अ लॉट ऑफ ऑयल इज यूज्ड, इट इज़ कॉल्ड डीप फ्राइंग। अगर बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं डीप फ्राइंग। मतलब अगर हमारी दाल में तड़का लग रहा है, ठीक है, देखा होगा कम बहुत मात्रा में तेल डालते हैं, उसमें जीरा डालते हैं, तो
जब उसके ऊपर हम दाल का छौंक तो वो शैलो फ्राइंग है एक तरीके से, ठीक है, तड़का लगाने के। लेकिन अगर हम पूरी है, पकोड़े हैं, समोसे निकाल रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल की आवश्यकता होती है, तो उसको कहते हैं डीप फ्राइंग। नाउ बेकिंग, बेकिंग मीन्स टू कुक फूड इन ओवन विदाउट एनी ऑयल और लिक्विड। बेकिंग का मतलब क्या है कि बिना किसी तेल के या किसी लिक्विड के किसी चीज़ को ओवन, ओवन क्या होता है, एक तरीके का चूल्हा होता है, ठीक है, उस ओवन में रखने का पना नहीं। जैसे आपके बिस्किट्स एंड केक्स आर मेड बाय बेकिंग, तो आप जो केक खाते हो, जो बिस्किट्स खाते हैं, वो बेक करके ही बनाया जाता है उसको बेकिंग, तो उसमें कोई ऑयल नहीं पड़ता और कोई दूसरा लिक्विड नहीं होता है। देयर आर सम पिक्टोरियल व्यूज ऑफ दिस कुकिंग। तो यहाँ पर आप बॉइलिंग में दिखा रखा है, ठीक है, बनते हुए फ्राइंग में दिखा रखा है, आपका बेकिंग में दिखा रखा है। नाउ रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या है, किसी चीज़ को भूनना, रोस्ट करना। रोस्टिंग मीन्स टू कुक फूड स्पेशली मीट विदाउट लिक्विड इन अ ओवन और ओवर अ फायर। रोस्टिंग का तो किस तरीके से पका रहे हैं उसमें खाना, जैसे कि मीट को हम किसी चीज़ में लिक्विड में, किसी बिना लिक्विड के, बिना कोई द्रव पदार्थ के, उसको ओवन या फायर के ऊपर जब कहीं कैंप लगता है तो हम इस तरीके रोस्टिंग, या आजकल बारबेक्यू आता है, उसमें आप अपने चिकन या मटन को ऐसे पका सकते हैं। पनीर, चिकन एंड सम वेजिटेबल्स आर रोस्टेड। तो कुछ में पनीर है, चिकन है और कुछ सब्जियों को रोस्ट करके, मतलब भून करके, ठीक है। नाउ ग्रिलिंग, ग्रिलिंग मीन्स टू कुक फूड अंडर और ओवर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीट। ग्रिलिंग का मतलब ये भी एक तरीके से भूनना ही है। इसमें क्या करें, ग्रिल कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको कष्ट भी, तो उस खाने को क्या कर रहे हैं हम, बहुत ही ज़्यादा तेज आँच में, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा उसमें जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, उसको उलट पलट करके ग्रिल कर रहे हैं। मीट एंड सम वेजिटेबल्स आर ग्रिल। कुछ मीट और कुछ वेजिटेबल जिनको ग्रिल्ड किया जाता है, यानी ऐसे भून के बनाया जाता है। नाउ स्टीमिंग, स्टीमिंग का मतलब, स्टीम का मतलब होता है भाप, स्टीम मतलब भाप से। स्टीमी मीन्स टू प्लेस फूड ओवर बॉइलिंग वाटर सो दैट इट कुक्स इन द स्टीम। तो इसमें क्या होता है, स्टीम जो खाना होता है बॉइलिंग वाटर को, जिससे भाप निकले, तो जब भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगी, तब वो चीज़ पकेगी। फूड आइटम्स लाइक ढोकला, इडली एंड मोमोज आर स्टीम। जो तो खाने के, ढोकला एक गुजराती डिश है, कई लोगों ने खाई होगी। इडली है जो साउथ इंडियन डिश है, और मोमोज जो नॉर्थ ईस्ट में, या आप उत्तराखंड हिमाचल में काफ़ी मिलेगा, चाइना में, तो ये स्टीम्ड मतलब भाप दे के ही पकाई जाती है। स्टीमिंग इज़ यूजुअली डन इन अ प्रेशर कुकर। ये स्टीमिंग किसमें कर, ज़्यादातर एक प्रेशर कुकर में किया जाता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन कुकिंग, क्या महत्वता है, क्या महत्व है पानी का जब हम कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स। तो ज़्यादातर खाद्य पदार्थ होते हैं जो खाना हम बना रहे हैं, उनमें पानी की ज़रूरत है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग डव, राइस, पल्सिस एंड, ये किस लिए होता है, जब हम आटा गूंदने हैं, गूंदने के लिए, जब उसकी लोई बनाते हैं, तभी लोई बनेगी जब आटा गूंदा हुआ होगा, चावल बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए और सब्जी बनाने के लिए। वेसल्स, टेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। तो वेसल्स क्या, बर्तन, और टेंसिल्स क्या है, जो गहरे थोड़े बर्तन होते हैं, उनको कुकिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। वी यूज़ डिफरेंट वेसल्स टेंसिल टू कुक डिफरेंट फूड आइटम। तो हम ऐसे जो अलग अलग खाने के लिए अलग अलग तरीके के बर्तन या थोड़े गहरे बर्तन यूज़ करते हैं। सम ऑफ द टेंसिल्स ओन व्हील, कुछ जो बर्तन हैं वो नीचे दिखाए गए, लाइक प्रेशर कुकर, वोक, कढ़ाई, सॉस पैन, पॉट, लेडल, रोलिंग पिन, रोलिंग पिन क्या, चकला, बेलन, ठीक है, ग्रिडल, तवा, फ्राइंग पैन। नाउ टाइप्स ऑफ स्टोव एंड फ्यूल्स, कौन कौन से स्टोव मतलब चूल्हे, और किस तरीके का ईंधन उसमें इस्तेमाल होता है। फ्यूल्स मतलब ईंधन। टू कुक फूड डिफरेंट काइंड स्टोव्स आर, तो खाना बनाने के लिए अलग अलग किस्म के चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं। सम काइंड्स ऑफ स्टोव्स आर सोन बिलो, कुछ आपको नीचे दिखाए गए हैं, ब्लो मतलब नीचे दिखाए गए हैं। तंदूर, सो एनर्जी कोल, तो तंदूर आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट जहाँ बड़ी मात्रा में ग्राहक आते हैं या कस्टमर आते हैं खाना खाए, तो इतनी जल्दी तवे में रोटी नहीं बन सकते, तंदूर लगा होता है। तो इसमें क्या होता है, कोल, कोयले उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी, गर्म गर्म कोयलों के जो उसकी ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उससे रोटी पकती है, वो तंदूर होता है। चूल्हा, सोर्स ऑफ वुड, तो इसमें क्या है, ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, आपका लकड़ी है। कैरोसिन स्टोव, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कैरोसिन ऑयल। अब लगभग ये चीज़ें ख़त्म आने लगी हैं क्योंकि अभी LPG और सोलर कुकर्स आ गए हैं। नाउ सोलर कुकर, सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट, तो सोलर कुकर में क्या, खाना बनाने के सनलाइट, जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की रोशनी, उससे खाना बनता है। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन में क्या है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली से बन रहा है।
गैस स्टोव सोर्स ऑफ एलपीजी मतलब द्रवीकृत जो पेट्रोलियम गैस होती है वो इसका सोर्स ऑफ जो आज हर घर में है। तो मैक्सिमम तो आजकल धुआं और ही देखकर चीज़ें बंद होती जा रही हैं। नाउ रिमेंबर, क्या याद रखना है, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, खाने से क्या होता है या खाना बनाने से पकाने से क्या होता है, फूड क्या होता है, सॉफ्ट मुलायम हो जाता है और स्वादिष्ट हो जाता है। डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग आर बॉइलिंग, रोस्टिंग, स्टीविंग, ग्रिलिंग, बेकिंग एंड फ्राई। तो अलग अलग जो बनाने की विधियाँ या किस तरीके हैं उसमें क्या आता है आपका, उबाल करके, ठीक है, उसको रोस्ट करके, ठीक है, किसी चीज़ को पका करके, स्टीमिंग भाप दे करके, ठीक है, ग्रिलिंग ग्रिल करके, बेकिंग बेक करके, माइक्रोवेव और फ्राइंग तल करके। डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, और अलग अलग बर्तन खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ एक्सरसाइजेस, इसमें आप खुद इसको करना है क्योंकि ये इधर पे आपको चैप्टर कवर हो गया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन गिव मी कमेंट्स, मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं ये भी सॉल्व करके आपको दूंगा। अदरवाइज आई नो दैट आप अपने बच्चों को, जितनी भी इसमें जो लेडीज़ जो देख रही हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने किट्स वो ईजीली कर लेंगी। ठीक है, ये समझाना था, मैंने समझा दिया है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू शुड राइट कमेंट्स एंड गिव मी सजेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।